बहुत पहले की एक बात है, किसी गांव में एक किसान और सुनैना उसकी लड़की रहती थी। एक गांव उस गांव में उसको राजा भी रहता था, वो राजा बहुत अमीर था। एक दिन क्या होता है कि कोई गरीब किसान है, उसकी पत्नी राजा के पास मत मान मांगने के लिए घर पर जा रहे थे, रास्ते में राजा से मुलाकात हो जाता है। तो बोल राजा बोलता रहे, अरे मोहन किस मोहन भाई, मोहन भाई इधर किधर जा रहे हो ना? अरे मोहन किसान, तुम किधर जा रहे हो? क्या परेशानी है? तुम कुछ बताओगे? ये राजा बोलता है, उतने में बोलता है किसान, मोहन किसान बोलता है, अरे राजा साहब, राजा साहब, मेरी गरीब बेटी हूँ, मैं गरीब हूँ, इसके लिए मेरी बेटी की शादी करना है, बड़ी बड़ा घर है, रिश्ता है, इसके लिए हमको आपसे मदद चाहिए और पैसा चाहिए। राजा बोलता है, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुमको कुछ कुछ हमारे पास में बांधने रखना पड़ेगा। गरीब किसान बोलता है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी शादी घर से घर में करना है। राजा बोलता है, ठीक है, चलो चलो, मैं तुमको मदद करूँगा। इतना कहकर राजा कहता है, चलो हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, मैं तुमको सर्फी और सोना से भरा लगा हुआ खुद निकाल कर देता है और भलाई के बारे में सोचने लगता है। सुनैना बहुत खुश होती है, बोलती है, राजा साहब, ठीक है, आप तो बहुत नेक नेक इंसान हैं और बहुत भला करने वाला इंसान है। इतने में कर करके सुनैना और उस लड़की और गरीब किसान मोहन राजा के साथ में चल देते हैं और बोलते हैं, ठीक है, आपकी कृपा से हम लोग को शादी हो जाएगी, हमारा घर बच जाएगा, हमारे घर वाला खुशी हो जाएगी। अरे गरीब किसान मोहन, देखो दुनिया में भला करना सबसे बड़ा पुण्य काम है। तुम्हारे गरीब लड़की का शादी हो जाएगी तो हमारा ये भला हो जाएगा, तुम्हारा बेटी हमारा भी बेटी के समान है, इसके लिए तुम जाओ धूमधाम से शादी करो। मैं वैसा राजा नहीं हूँ, बहुत नेक नाक इंसान का राजा हूँ, इसके लिए उस राजा भलाई करता हो चल देता है, इसलिए उसे भलाई करना चाहिए।